नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार जो ऑनलाइन होते हैं उनमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप हेल्थ से जुड़े कुछ भी हो, BEMS हो, BDS हो, MBBS हो, हेल्थ वर्कर हो, आयुर्वेद रतन हो, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो, हेल्थ से जुड़ी कुछ भी है आपके पास, तो आपकी क्यूरियोसिटी है कि आप जुड़ना चाहते हो तो आप देखिए इस लिंक पे आ जाइए। 4:30 बजे आज वेबिनार है, एमर्जिंग जूनेटिक डिजीज एंड वन ऑफ द हेल्थ अप्रोच। जूनेटिक क्या होता है? जानवर से ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को बीमारी होना। तो इसमें पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं 4:30 बजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी। आप उसमें आप क्वेश्चन आंसर पे जूम के जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो अगर आप क्वेश्चन पहले ही पूछना चाहते हो तो इस मेल पे दे सकते हो। इतनी बढ़िया हस्तियाँ स्पीकर होंगी, आप उनके साथ पार्टिसिपेट ऑनलाइन कर सकते हो। ये फ्रेंच में भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बतलाती हैं कि हम कितने, हमारी कितनी तैयारी है। देखिए कितने तगड़े तगड़े बंदे डॉक्टर सिल्वी ब्रांड होंगे, WHO के एपिडेमिक पैनाडेमिक वाले डॉक्टर एमिना ऑनरेबल बेनिया साइंटिस्ट, WHO के डॉक्टर मारिया वैन करके हुए इमर्जिंग डिजीज यूनिट हेड, डॉक्टर जीन फिलिप डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ फेयर एजन एक्शन WOAH, डॉक्टर वॉन्स भूषण अनास्के किब्रेट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, मिस्टर केथ समशन वेटरनरी से जुड़े अफसर हैं ये, डॉक्टर पेट्रा कौरी। दोस्तों NGO काम करती है और WHO के साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल रिलेशनशिप में है, बहुत है। मैंने तो 30 साल से मैं जानता हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि NGO तो वैसे ही बेकार होती है, उनको पता नहीं, उनकी तंग दिली है, उनका विजन नहीं है। चलो जो मर्जी कोई कहे, मैं आपको मौका देता हूँ कि आप इस पर रजिस्टर होइए। कैसे रजिस्टर होना है? 4:30 बजे इस वक्त टाइम बजा है, 3.5 घंटा है, सिर्फ 1.5 घंटा। आप अलर्ट ईमेल लिस्ट पे भी चले जाइए, वे आपको बताते रहेंगे। क्या पैसा तो कुछ नहीं लगना, अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी धीरे धीरे आपकी ख्याति बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर करना है। पहले तो वेबसाइट देखिए, ये वाली, ये आपको पता हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये साइट है, तो यहाँ पे पहुँचोगे आप। जब तक ये नहीं भरोगे आप, या गूगल पे आपने डालना है जूनोटिक डिजीज वेबिनार, WHO लिख लेना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, सीधा उसके ऊपर चले जाओगे आप, ये खुल जाएगा। और इस पे जाके आपने क्या करना है, आपने अगर आज वेबिनार पार्टिसिपेट करना है, रजिस्टर हेयर पे जाना है आपने। रजिस्ट्री एयर पे आप गए तो पहले मैंने एक कैंडिडेट का नाम लिखा था, मैं उसको मिटे रहा हूँ। आपने अपना नाम भरना है इसमें, ठीक है जी, अपनी मेल भरनी है इसमें, अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि कहाँ अल्जीरिया के हो, कहाँ के इंडिया के हो, कहाँ के हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन या फेडरेशन स्किल डेवलपमेंट भर सकते हो, या अपना क्लिनिक का नाम, या अपने मोहल्ले का नाम, या जो भी ग्रुप है उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो आप चाहते हो उसका नाम भी लिख दीजिए। आपका जॉब टाइटल क्या है, आप वार अटेंडेंट हो, फर्स्ट एड हो, डॉक्टर हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, वो चीज़। अब लास्ट में क्या करना है आपने, ये देखिए, इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी ऑन EPI विन मेलिंग लिस्ट, क्या आप चाहते हो कि इनकी मेल्स आपको WHO की आती रहें, तो आप यस कर देना, अगर कहीं नहीं आए तो नो कर देना। तो दोस्तों ये बड़ा तगड़ा आपकी उसमें आपका, जब आप इस चीज़ को मेल को भरोगे तो ट्विटर हैंडल पे भी अगर है, ट्विटर अकाउंट भी उनको बता देना। ये देखिए 31 मई 2023 4:30 बजे और WHO पार्टिसिपेंट भी एबल टू सबमिट क्वेश्चन ड्यूरिंग वेबिनार बाय यूजिंग जूम। आपने इंस्टॉल कर लेनी क्वेश्चन आंसर फीचर। You may also submit them in advance by sending the EPI bin @WHO. दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन एडवांस में भी आपके मन में है
जूनॉटिक डिजीज के बारे में पढ़ लीजिए, इनको एडवांस में भेज दीजिए, आपका नाम होगा। क्योंकि जब तक आप वहीं खड़े हो, जैसे कि एक फ्रॉग होता है, मैं भी अपना सोचता हूँ, एक फ्रॉग या डड्डू कुएं में है, वो चाइनीज प्रोवर्ब है कि वो कुएं का मुंह कोई जिंदगी समझ बैठता है, उसमें से जितना आसमान नजर आता है। और अगर फ्रॉग बाहर आ गया तो खुला आसमान है, कितना बड़ा है। तो हमारा विजन लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, अपनी सोच तंग दिल नहीं रखनी चाहिए। बाहर आइए, जूम इंस्टॉल कीजिए और हो जाइए। अब आप कहेंगे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। भैया पहले स्टेप तो रखो, पहला स्टेप अगर आपने उठा लिया तो नेचुरली आप मीलों मील कहीं पे कहीं पहुंच जाओगे। कल्पना चावला कहाँ पहुंची थी स्पेस में, वो तो अगर उसने पहला स्टेप भी ना उठाया होता तो इतना नाम हुआ था उसमें। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज सकते हो, देख लीजिए, ये चीज़ डाल दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा EPI विन वेबिनार एमर्जिंग जूनॉटिक डिजीज एंड वन हेल्थ अप्रोच, तो आप गूगल से देख के भी जूनॉटिक डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो उनको। ठीक है जी, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।